हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे कैरियर प्लस चैनल में। आज हम बात करेंगे जो है यूपी टेट के, इसके आवेदन कब से होंगे और जो और कस्तूरबा गांधी में जो है, ये देखिएगा इसमें भर्ती निकली है महिलाओं के लिए। कस्तूरबा विद्यालय में शिक्षकों के जो है 1000 पदों पद खाली हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने कैरियर प्लस चैनल में। आज हम बात करेंगे जो है इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें जो है जो NIOS वाले जो DLED करे हुए होते हैं, NIOS DLED वाले वालों को शामिल करने का दिया निर्देश। इसमें जो क्या चीज़ हैं, अब जो है आपने देखा होगा इसके अंदर जो अब जो शिक्षक भर्ती आ रही है 51,000 पदों पर, तो इसमें 51,000 पदों पर जो भर्ती आ रही है, तो उसमें जो है आपको बता दूं, एक तो BTC वाले, ठीक है, इसके बाद BEd वाले, और इसके बाद जो है इसके अंदर शिक्षा मित्र होंगे, ठीक है, और इसके बाद DLED वाले, और ये जो NIOS से जो DLED करे हुए हैं ये वाले, तो कम से कम जो है पद होंगे, कम से कम इसके अंदर कितने होंगे, इसके अंदर जो पद होंगे वो लगभग जो हैं, इसके अंदर जो पद होंगे 51,000, और है ना, और कम से कम बैठेंगे कितने, 7-8 लाख बच्चे बैठेंगे सुपर टेट में, लगभग इतने मान के चलते हैं, ठीक है, तो इतनी भर्ती तो खैर होनी है। और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ प्रयागराज की खबर है, NIOS से DLED करने वाले प्रशिक्षक, इसमें लिखा हुआ कि सरकार एवं सचिव जो वाले यूपी टेट के प्रस्ताव संशोधन एवं शामिल करने की मांग की गई है, ठीक है। इसमें लिखा गया 6 जनवरी 2021 से पहले 6 जनवरी को इन्होंने इस तरीके से किया, ठीक है। तो ये चीज़ कुल मिला के ये है कि इसमें पूरा पढ़ने से अच्छा, बस जो NIOS के थ्रू जो है इन्होंने जो DLED कर रखा है कोर्स, इन्होंने ये मांग उठाई है कि सर हमें भी जो है इसमें शामिल किया जाए, जो आगे भर्ती आ रही है, ठीक है ना। और हम बात करेंगे जो है इसमें कस्तूरबा गांधी स्कूल, जो कस्तूरबा गांधी, मैं आपको बता दूं इसमें जो होती हैं 11 महीने की संविदा पे जो होती हैं महिलाएं स्कूल होती है, ये कस्तूरबा बालिकों, तो बालिकाएं इसमें कम से कम जो होती हैं केवल शिक्षिका जो महिला होती हैं केवल वही इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर पुरुष वर्ग के एक भी अभ्यर्थी जो है इसमें फार्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें मेरिट बनती है। और मैं आपको बता दूं सैलरी कितनी होती है, सैलरी जो होती है इसमें जो है 27,500 रुपये सैलरी होती है इसमें। और ये जो है, और ऐसा भी नहीं है, अगर सपोज़ मैं मान के आपको मेरिट जो होती है उससे भर्ती होगी, ठीक है, तो ये मेरिट से भर्ती कैसे होगी, इसमें साफ से लिखा हुआ है इसमें जो सैलरी जो होती है वो 27,500 रुपये सैलरी होती है। और अगर मान के चलिए अगर ये जो है, अगर ये आपकी बिजनौर में जगह निकली है, बिजनौर में, तो इसमें उत्तर प्रदेश में कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। अगर जैसे इलाहाबाद में जगह निकली हैं, अगर इलाहाबाद में कहीं जगह निकलती हैं, तो इसमें यूपी के अंदर महिला वर्ग से महिला जो होती हैं वो कहीं से भी आवेदन कर सकती हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, 75 जिले से कहीं से आवेदन कर सकती हैं। इसमें सैलरी अच्छी है, और इसमें जो है आवासीय विद्यालय होते हैं, चयन प्रक्रिया में थोड़ा जूम कर दूँ, साफ साफ लिखा हुआ है ये जो चयन प्रक्रिया का फॉर्मूला, ये चीज़ लिखा हुआ है सामने, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ, हाई स्कूल और इंटर का 10-10% और ग्रेजुएशन का जो है इन्होंने 20% BEd है ना, और जो जूनियर के लिए, अगर जूनियर के लिए इन्होंने टेट भी कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसके अंदर भर्ती फिलहाल तो ये जो है मेरिट से होगी। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आपने जो है BA या BSc या BEd कर रखा है, तो इसके लिए आप जो अप्लाई कर दीजिएगा, जब तक एक गवर्नमेंट जॉब नहीं आती है तो जब तक आप इसके अंदर आप पढ़ा सकते हैं। 27,500 रुपये सैलरी है, तो वेतन बढ़िया है, ठीक है। तो इस चीज़ के ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पल पल की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।